ऑल राइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्का बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं एक और टर्टल ऐड कर रहा हूँ अपने बड़े वाले टर्टल पॉन्ड में। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, हिज नेम इज़ प्रशांत, सो ही कॉन्टेक्टेड मी एंड ही वॉन्ट्स टू गिव इट बिकॉज वो जगह की वजह से ही कैनॉट कीप इट एनी फर्दर। तो आज वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। और निकलने से पहले चलिए मैं हल्की सी बेसिक सी जो अपना बालकनी का है उसका टूर दे देता हूँ। बाय द वे, वो देखिए मेरा वाला टर्टल, वो बैठा हुआ है। और फिर अभी अंदर ऑस्कर एक्वेरियम जो आपने लास्ट टाइम देखा था उसमें पैरेट ऐड किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, गप्पी और गुरामीस, एंड देन वील हेड टू दैट प्लेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रहा मेरा बालकनी कोई एंड दैट टर्टल पॉन्ड। टर्टल आराम से मस्त बैठा हुआ है और वो यूजली यहाँ बैठता रहता है। और अगर आपको अब जल्दी से इसका भी अपडेट दूंगा, अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए सिल्वर टिन फॉयल, बहुत छोटे से लाया था और अच्छे खासे बड़े हो गए, कलर भी अच्छा आ रहा है। और उस साइड है हमारा मोलीज एंड कपीज पॉन्ड, जो चलिए मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मोलीज पॉन्ड, जो इसके प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं सारे। बैम्बू शायद थोड़ा सा पुराना हो गया तो सूख रहा है, एक साइड से उसको चेंज करूँगा। बाकी अभी मोली सारे नीचे हैं और रेड टेल भी है, तो देखिए गाइस अगर आप देख सकें तो वो भी ब्लैक मोली और ये रेड शॉर्ट टेल। तो ये अच्छा चल रहा है। अब चलिए अंदर ऑस्कर्स के पास चलते हैं। ये महाशय नीचे आ चुके हैं तो मैंने कहा अंदर जाने से पहले आपको दोबारा दिखा दूँ। वो आराम से घूम रहा है। और बाय द वे गाइस, अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं किया, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि फ़िश के साथ टर्टल रख सकते हैं या नहीं, तो मैंने उसमें कुछ बेसिक से टिप्स दिए थे, वो आप देख सकते हो। क्योंकि मेरा देखिए बहुत आराम से रहता है और सारे फिशेस भी हेल्दी हैं और टर्टल भी हेल्दी है। सो गाइस, दिस इज़ द न्यू पैरेट जो लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया, ऐड किया है। बट ये जो हमारा येलो वाला है थोड़ा काफ़ी एग्रेसिव है, इट्स कीप चेजिंग द न्यू वन। और वो पहले इसके पीछे छुपा रहता था, बट अब ठीक है, अभी आराम से रखा हुआ है, आई मीन घूम रहा है वो। और बाकी आप ऑस्कर्स देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, कलर्स काफ़ी प्यारे आ चुके हैं इनके। सो काफ़ी प्यारा चल रहा है ये एक्वेरियम और इसमें सारे सब अच्छे खासे एक्टिव हैं। और अब चलिए नीचे दिखाता हूँ गप्पीज। जो गाइस देखिए गप्पीज आर डूइंग रियली वेल, सारे अच्छे खासे चल रहे हैं। और बेबीज आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम चलते हैं गुरामीस के पास। ये रहे हमारे गुरामीस, और ये देखिए मेरे को ये वाला लुक सबसे प्यारा लगता है। यहाँ से पॉइंट फीलिंग भी आती है और साइड बाई साइड देख भी सकते हैं। तो गाइस चलिए अब निकल रहे हैं हम अपना पॉन्ड की तरफ। और अभी उससे पहले प्रशांत को मिलते हैं और उससे उसका टर्टल लेते हैं, फिर हम पॉन्ड के लिए निकलेंगे। सो गाइस से हाय टू प्रशांत। हाय। सो ही इज़ द गाय एज आई वाज टेलिंग यू, सो ही इज़ हैंडिंग ओवर हिज दिस टर्टल, शी इज़ क्वाइट बिग। तो अब ये लेके मैं निकलता हूँ एंड थैंक्स टू प्रशांत, आई विल टेक केयर ऑफ हर, यू कैन से बाय टू देम। बाय। सो गाइस से हाय टू हरीश। एज यूजुअल मैं इसको संडे को परेशान कर रहा हूँ, इसका ऑफ रहता है, बट आई कॉल्ड हिम सो बिकॉज ही ओनली हेल्प्स मी हेयर टू शूट द वीडियो। तो चलिए अभी हरीश की मदद से हम अब जो नया वाला टर्टल आए हैं उसको हम पॉन्ड में शिफ्ट करते हैं। तो गाइस ये है टर्टल जो दिया है, इट्स अ फीमेल अगेन, आपको दिखाता हूँ। सो काफ़ी प्यारा है। तो अब चलिए हम इसको भी टर्टल में रिलीज़ करते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो थोड़ा सा अपडेट बिफोर वी पुट दैट टर्टल इनसाइड। तो देखिए जैसे कि वो हमारा चल रहा है, जो मैंने बताया था आपको, उसका हमने फाउंटेन टाइप का बना दिया था, प्लस आपका ओके वाटरफॉल, तो उसकी वजह से आप देखिए वाटर पूरा क्लियर है अच्छे से। और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। एडजस्ट की जो बेस का है, जैसा मैंने आपको बताया था कि बेस का हम अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज वो पानी नीचे है, उसके उनसे तो बना रहेगा, बट देन अब पानी पूरा अच्छे से क्लियर है
एंड बाय द वे गाइस, हरीश ने मेरे को बताया था, हम लोग यूजली एज इन हम लोग सिर्फ लाए थे 15 पेयर्स 30 मोलीज, बट नाउ वी हैव मोर देन 200 मोलीज इनसाइड। इतना सारा ब्रीड हो गया, आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे हैं। और इस साइड देखिए आप, हरीश यहाँ पर देखिए, गाइस इफ यू कैन सी, बहुत सारे अब ब्रीड होते जा रहे हैं, बच्चे आते जा रहे हैं इसके अंदर, तो काफ़ी प्यारा हो गया ये। तो चलिए अब हम टर्टल को निकालते हैं। तो ये है नया वाला टर्टल जो हम डालने वाले हैं। हरीश आप वहाँ पे चले जाओ। तो इसको अब हम ऐड करते हैं, एंड इट इज़ फ्रॉम प्रशांत एज यू नो, तो थैंक यू प्रशांत। एंड लेट्स रिलीज हर। They all are trying to know each other. थोड़ा curious हो रहे हैं कि ये नया member कौन आया है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि बस एक दूसरे को भी attack तो नहीं कर रहे, but नहीं करेंगे because all are females, so I don't think they'll attack. और देखिए आसपास species कितनी सारी हैं, अभी भी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम सुमित वॉज वरीड कि ये सेल रॉड, सो इट इज़ नॉट सेल रॉड एक्चुअली। सुमित हो क्या रहा है, यहाँ पे पानी जो है बोरवेल का हम पानी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और प्लस सनलाइट आती रहती है, तो हल्की सी वो मड वाली लेयर हो गई है, बट सेल उसके सारे सब कुछ हेल्दी है, जस्ट मडी लेयर और चौकी लेयर हो गई है जो अभी रेगुलर यहाँ पर अभी साफ़ नहीं कर पा रही, बट देर इज़ नथिंग टू वरी, देयर परफेक्टली हेल्दी। एंड इफ यू कैन सी ऑन द अदर वन ऑल्सो, तो उसका जो पुराना वाला जो ख़राब एरिया था वो ठीक होने लग गया, एंड इट इज़ फाइन नाउ, सो इट्स ऑल गुड, सो नथिंग टू वरी। प्लस आप देख सकते हैं कि मछलियाँ कितनी सारी हैं भाई, इसमें बहुत सारी फिशेज होती थी आप देख सकते हैं, और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बस एक बार डाल दिया है और यहाँ पर बारात लग चुकी है फिशेज की, ये अलग दिन रही है। अभी चलिए मैं अंदर वाले पॉन्ड के थोड़ी सी ग्लिम्स दे देता हूँ, ये प्रॉब्लम ये है कि वो हर बारी नीचे घुस जाते हैं, बट यहाँ का सब वीडियो चल रहा है और सब अच्छी खासी हाइट में बड़ी हो चुकी है, और ये देखिए ये देखिए देयर साइज, लुक एट देम यार, इनका काफ़ी प्यारे हो चुके हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी, ये देखिए एकदम, वो सबसे वाली बड़ी हो चुकी है, ये वाली काफ़ी बड़ी हो गई है, ये है हमारी कोई का नीचे कोई का वाइट वाली होते हैं, ये
तो इस वाले पॉन्ड की भी हमें सफाई करनी थी, बट अभी थोड़ा काम में बिजी हो जा रहा हूँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है अभी बढ़िया चल रहा है। और फिश काफ़ी हेल्दी है यहाँ पे, स्पेशली द कोई कार्प्स एंड द सिल्वर टिन फॉइल, तो इसका भी जल्दी से अपडेट बनाना है, लेट्स सी क्या करेंगे। तो जो ये वीडियो पहली बारी देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि अगर ये पॉन्ड हमने स्क्रैच से बनाया था, अगर आपने ये का पॉन्ड का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ मैं, ताकि और प्लस एक प्लेलिस्ट भी है पॉन्ड की, यू कैन चेक आउट दैट। तो बेसिकली वी मेड दैट वाटरफॉल, फिर ये फाउंटेन, सम वुडन लॉक्स फॉर द बास्किंग पर्पज, और आसपास हमने पूरा एरिया छोड़ दिया ताकि वो आराम से अच्छे से घूमते रहें। और अभी फ़िलहाल अच्छा चल रहा है, बीच में एलगी इश्यूज़ हो रहे थे तो उसके भी कुछ फिक्स करने की कोशिश करी, तो वो अभी बढ़िया चल रहा है इसमें। और ठीक है, तो अभी वीडियो को मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। तो अगर आप पहली बारी मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, टर्टल पॉन्ड, एक्वेरियम फिश एंड पेट्स ऑफ सेंचुरीज, तो इसी के बारे में सारा चैनल रहता है। तो अगर आपको वैसा और भी कंटेंट देखना है तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, डू लाइक एंड कमेंट कि आप और क्या देखना चाहते हैं, या कुछ सजेशंस हो आपकी तो आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस, बिकॉज मैं आपके जैसा एक छोटा सा हॉबिस्ट हूँ जो कुछ ना कुछ रोज सीख ही रहे हैं हम। एंड जो मैं हर बार ही बताता हूँ, जितने भी जो आसपास लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, उनकी मदद करिए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।